ये पूरी पंच कोशी की परिक्रमा काशी के रिंग रोड की हमारे पूर्वजों की परिकल्पना को साकार करता है और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पंच कोशी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सुंदरीकरण की कार्य योजना को सरकार ने अपने हाथों में लिया है और इसके लिए 101 करोड़ रुपए स्वीकृत तो हो गए हैं। इसका कार्य बहुत तेज होने जा रहा है। यानी विकास की प्रक्रिया किस रूप में आगे बढ़ सकती है, यहां पर स्थित जो 5 पड़ाव हैं उन पड़ावों का विकास भी होगा, बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा किसी श्रद्धालु को न हो इसके बारे में भी जहां पूरी तैयारी की जा रही है। मैंने विशेष रूप से प्रशासन से इस बारे में भी कहा है कि जहां पर हाईवे है या जहां पर बाईपास मिल रहा है वहां पर क्योंकि यात्रा के दौरान बड़ी मात्रा में श्रद्धालुजन होते हैं तो श्रद्धालुजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो कैसे वहां पर हम व्यवस्था दे सकते हैं, अंडरपास देकर के या वहां पर किसी भी प्रकार से विघ्न आए बगैर यात्रा अनवरत चले इस पर क्या व्यवस्था हो सकती है, इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए।